बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल के डी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को 1 ईयर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो 1 ईयर कम्प्लीट हो गया है, और मैं आपसे अपना सब ही ये सारा जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब से पहले ज्वाइन करने से पहले क्या करती थी और अब मेरी क्या मसरूफियात हैं और कैसा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का स्टार्ट। से पहले मैं क्या करती थी, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं टीचिंग कर रही थी। मेरा एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हूँ। इसके अलावा मैंने एमएड किया है स्पेशल एजुकेशन में। तो कुछ मेरे लाइफ के 12 इयर्स के एक्सपीरियंस थे टीचिंग के, और जो कि मैंने सोचा कि मुझे जो है वो शेयर करने चाहिए यूट्यूब चैनल के थ्रू से। और मैं काफ़ी टाइम से जो था ना वो व्लॉग्स देखती थी। बहुत से अच्छे ऐसे व्लॉगर हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और उनको मैं देखती थी, फॉलो करती थी इंस्टा पे भी। तो मुझे अच्छा लगता था ये सब देखना करना, और बस मुझे थोड़ा सा वो शौक तो था, लेकिन मैंने कहा चलें किसी चीज़ के साथ आऊँ जो मेरी स्पेसिफिकेशन है, मैं उस चीज़ के साथ जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। लेकिन हुआ क्या, चूँकि मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है और उसको आप जानते हैं आमिना हमार, बेसिकली आमिना को शौक़ था व्लॉगिंग का। वो कैमरा, उनको फेस करना बहुत अच्छा लगता था। कैमरा फेस करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और कुछ बचपन से भी मुझे कुछ ऐसे शौक़ थे कि मिरर के सामने न्यूज़ पढ़ना और इस तरह से। लेकिन टाइम के साथ तो ऑब्वियसली सबके शौक़ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन आमिना को देख के जो था ना मुझे दोबारा से एक चीज़ फील होती थी कि अच्छा ये तो बिल्कुल मेरी तरह काम करती जैसे मैं छोटी थी तो करती थी। एनीवेज़ तो फिर आमना का शौक था, कैमरा पकड़ती थी और करती थी। मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसा करती हूँ कि आमना के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टेप लेती हूँ। जी तो स्टार्ट करने से पहले किस किस से परमिशन लेनी थी, खुद तो प्लान कर लिया, फैमिली मेम्बर्स से पूछा, फैमिली ग्रुप में पूछा कि जी मैं ऐसे स्टार्ट करने वाली हूँ। सभी ने कहा ओके अच्छी बात है करो, क्या वीडियोज़ बनाओगी, क्या कंटेंट रखोगी। यही कहा कि मैं तो जस्ट जो है ना वो अपनी जो भी एजुकेशनल स्टफ़ है उसको शेयर करूँगी। तो हुआ ये कि सब कुछ कर लिया, अपनी मैंने मदर इन लॉ से भी पूछा, अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा, और हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से। फिर अम्मी से जब मैंने अपनी पूछा तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि तेरे ताए चाचा की कहेंगे। तो वो बहुत एक अम्मी ने मुझे जो था ना सोच में डाल दिया कि हाँ वाकई अगर क्या कहेंगे सब। लेकिन फिर मैंने अपने चाचा को विज़िट किया और मैंने उनसे परमिशन ली, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अच्छी बात है, अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। तो मैं और जो था वो मोटिवेट हुई और फिर मैंने चैनल का स्टार्ट लिया। तो फिर सबसे पहले जो मैंने काम किए वो ये थे कि मैंने सारे इक्विपमेंट जो थे ना वो इकट्ठे करने का सोचा कि एक रिंग लाइट होनी चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, सेल्फ स्टिक होनी चाहिए। तो मैंने एक जो था ना वो 25,000 का एक खर्चा किया था सबसे पहले, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी स्टार्टिंग में। मैंने जितना यूट्यूबर्स को सुना है वो कहते हैं कि इन्वेस्ट मत करें बिल्कुल स्टार्ट में, लेकिन मैंने किया। और एक पता कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि आपकी फ़र्स्ट वीडियो ही आएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है ऐसा कुछ भी नहीं था। और रियलिटी यही है कि अब मैं आपके सामने जैसे खड़ी हूँ तो ये रियलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे खुद से आई वो ये थी कि मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, किसी सॉफ्टवेयर का भी नहीं पता था, और जस्ट ये स्टेप ले लेना अचानक से, मुझे पहले प्लान करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था चैनल स्टार्ट करने से पहले। बस ये सोचती थी कि हाँ जी ऐसे एजुकेशनल स्टफ पे थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। लेकिन
करने तो लगी थी वही स्टार्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जो था वो मैं कहीं और ही चली गई और ज़्यादा डेली लाइफ और व्लॉगिंग की तरफ आ गई। वो भी इस वजह से कि मेरे साथ आमिना थी और आमिना को कैमरा फेस करना और कैमरे में बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसको लगता था कि मम्मी मुझे अपनी हर वीडियो में था ना वो ऐड करें, मेरी भी वीडियोस। तो फिर मैंने जो था ना साथ साथ थोड़ी सी फैमिली व्लॉगिंग और ये वो सब स्टार्ट कर दिया, डेली रूटीन शेयर की, आमिना के साथ अपनी लाइफ शेयर की। तो फिर हमने जो अपने एक होता है कि आप एक नीश में रहें या एजुकेशन को मैं शेयर करती, एक्सपीरियंसेस शेयर करती या मैं डेली व्लॉगिंग करती, लेकिन मैंने फिर सोचा जब मुझे सब ने कहा कि किसी ने कहा कुकिंग कर लो, किसी ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये एजुकेशनल वीडियोस बना लो, पेरेंटिंग पे बना लो, किसी ने कहा कि नहीं डेली व्लॉगिंग कर लो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, सबकी राय लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सभी चीज़ों को जो था ना वो ऐड कर लिया एक ही चैनल के अंदर। अपने चैनल का थीम यही रख लिया, अपने चैनल का जो भी वीडियोस थी उनका पर्पस यही रख लिया कि ये मेरी लाइफ है और इसमें मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, तो उसके साथ साथ जो मेरी अपनी लाइफ की लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मेरा बच्चा है उसकी डेली एक्टिविटीज़ और मैं उसके साथ कैसे डील करती हूँ और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और हम बस ये चीज़ों को जो है ना वो शेयर करेंगे। और उसी में ऑब्वियसली जब आप डेली लाइफ शेयर करते हैं तो उसमें कुकिंग, उसमें ड्रेसिंग, एवरीथिंग इंक्लूड हो जाती है। तो जस्ट यही था कि चलें जी हम फिर इसको एक कंप्लीट ऐसे देख लेते हैं कि जहाँ पे हम कभी एजुकेशनल स्टफ़ को भी शेयर करें, और वो मैं कर भी रही हूँ मेरी बहुत सी वीडियोस। तो फिर मुझे समटाइम ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी, दो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा चैनल जो है के डी व्लॉग्स पर आपको के डी लाइफ, किरण डार की लाइफ है, किरण डार का बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हैं, तो वो सभी कुछ जो है वो आपको मैं शेयर करती हूँ, और उसमें हमारी कुकिंग भी आ जाती है और जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं अपब्रिंगिंग के हवाले से बच्चों की, और वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम जो है वो शेयर करती रहती हूँ। सब्सक्राइबर्स गेनिंग और वॉच टाइम कम्प्लीशन के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत टफ टाइम था, 9 मंथ्स में मैंने अपना ये सब जो था ना वो कंप्लीट किया है। और इसके अलावा अभी तक अगर आप बात करें कि मैं क्या अर्न कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही क्योंकि मैं अभी उस लेवल पर नहीं आई, और पता नहीं मेरी वीडियोस ट्रेंडिंग में नहीं जा रही हैं, जो भी शायद मेरा स्टफ़ ऐसा नहीं होगा या जो भी कह सकते हैं। तो एनीवेज कोशिश है, कोशिश करते रहना है, और मैंने एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने बताया था कि आप हार्डवर्क करें और जो है ना वो जितना आपका इनपुट है आप वो दें, आप इस पे मेहनत करें लेकिन एक्सपेक्ट मत करें अपने रिवॉर्ड के लिए। तो वही एक चीज़ है ज़हन में रखी हुई है और उसके लिए अभी हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो नो अर्निंग अभी तक। हर्डल्स आई, बहुत हर्डल्स आई हैं, बहुत किस्म की आई हैं, और मुझे पहले तो परमिशन मिली है ना, लेकिन उसके बाद मैं फ्री थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ऐसी कोई अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये है कि बच्चा है तो आमना के साथ बेसिकली ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी वीडियोज़ बनाते वक्त, कि उसको मेरी हर वीडियो में आना होता था लाजमी। मम्मी फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि आपने आमना की वीडियो नहीं बनाई है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि ऐसा हो गया है। तो दरअसल आमिना का जो शौक़ था ना वो स्टेसी और डियाना वगैरह को देखती हैं ये ज़्यादा, तो उनसे इनको भी जो था ना वीडियोस का बहुत शौक़ हुआ था। और इसके अलावा जो था वो थोड़ा सा कभी मैं थोड़ा सा डिप्रेशन का मेरा सीन हो गया था, और कभी आमना बीमार है, कभी मैं मेंटली जो थी वो खासी अपसेट थी, और फिर अम्मी की तरफ मूव करना मेरा और अपनी मदर की तरफ शिफ्ट होना, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, मैं वो मैसेज डिलीट कर देती हूँ कि मैं इस बात पर क्या जानता हूँ, मैं अपनी अम्मी की तरफ शिफ्ट हुई हूँ और क्यों हुई हूँ, आपकी वीडियोज़ पहले इन लॉज में होती थी, अब अपनी अम्मी की तरफ होती हैं, तो वो मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मुझे जो था वो शिफ्ट होना पड़ा, अम्मी की तरफ मूव किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बात करती हूँ कि अब क्या चल रहा है। अब ये है कि मैं खासी रेगुलर हुई हूँ अपनी वीडियोस में और वीडियोस अपलोड करती हूँ। सक्सेस जो है वो मेरी, सिर्फ अगर ये कहें कि पैसे अर्न करना ही यूट्यूब की सक्सेस है तो अभी वो लेवल मैंने अचीव नहीं किया। लेकिन मैंने क्या सीखा है, मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा है काफ़ी आमिना के साथ। उसको मेरे टाइम की बहुत ज़रूरत थी और है भी, तो मैंने इस चीज़ को मैनेज करना सीखा है। मैंने इसके अलावा जो है एडिटिंग मुझे बहुत करनी आई है। मैंने उसमें टेक्स्ट एडिटिंग कैसे होती है, और बिल्कुल मेरी मतलब और शौक की चीज़ें नहीं थी ये, लेकिन मुझे ऐसा था जैसे वीडियो बनाए और अपलोड कर दें, लेकिन उसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, ट्रांजिशंस वगैरह ये वो डाल के, और वो बहुत एक अच्छा मेरा रहा है एक्सपीरियंस और मुझे बहुत लर्निंग हुई है उसकी। तो मैंने आपको बताया था कि YouTube स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स और फैमिली का रिएक्शन क्या था, और YouTube स्टार्ट करने के बाद अब फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या है, तो बताऊं कि नहीं? अच्छा, ये है कि सम पीपल जो हैं वो डिस्कस करना ही नहीं चाहते चैनल के बारे में, ठीक है, और कुछ कहेंगे हमने आपकी वो वीडियो देखी थी, हमने ये देखा था, हमने ये भी देखा था, और कुछ का होता है क्या कर रही हो, क्या छोड़ो लाइफ एंजॉय करो, देखो क्या कर रही हो, और कुछ का होता है नहीं तुम ये वाली वीडियोस ना बनाओ, ऐसी वाली वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो सुनते हैं सबकी, आपने कुकिंग की उसमें आपने ये ऐसे कर दिया था, आपने ये ऐसे कर दिया था, और बस देखते ज़रूर हैं लेकिन कमेंट करना पसंद नहीं करते कि शायद पता चल जाएगा कि हमने देखी है, और कितना सपोर्ट है फैमिली का, तो मेरी अपनी फैमिली का और घर से जो घर में लोग रहते हैं उस फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है। पहले मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और लेकिन अब वो कहती हैं कि बनाया करो ज़रा कोई इंसानों वाली वीडियोस बनाया करो, और बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उनकी ही सपोर्ट है और मैं यहाँ तक हूँ, और या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, और बहुत से जो थोड़ी सी एक यूट्यूब फैमिली बनाई है, कुछ उनके जो हैं व्यूज़ अच्छे होते हैं जब कमेंट्स आते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी बातों के बाद मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसको बहुत शॉर्ट करके जो है वो वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं आप सबसे थैंक यू कहूँगी, थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मेरी जो भतीजी हैं भाई की बेटी, वो मुझे कह रही थी कि पप्पो हमने केक कट करना है कि आज आपके चैनल की बर्थडे है, तो लेकिन मैंने, वो अभी नानों की तरफ गई हैं तो मैंने उनसे कहा है जब आप आओगी तो फिर हम केक कट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे हम। और बेशक ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब हमें कुछ पे करेगा ही तो ही हम एक कामयाब हैं इस फील्ड में, लेकिन ये है कि अभी इतनी ही अचीवमेंट मेरे लिए बहुत है कि मैंने जिस तरह से हालात से इन वीडियोस को स्टार्ट किया है और एक नई फैमिली बनाई है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने का। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, और तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, और आमना की तरफ से भी आप सबको बहुत थैंक यू। आमना आ चुकी हैं मेरे पास और देख रही हैं कि मम्मी वीडियो बना रही हैं, तो क्योंकि इनकी एंट्रेंस बहुत ज़रूरी होती है हर वीडियो में, तो अभी मॉर्निंग है और आमना मैडम जो है वो उठ के आई हैं मेरे पास, और मम्मी आप वीडियो बना रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।